पाकिस्तान की तारीख में दूसरी मरतबा पंजाब असेंबली में अखिलेती एमपीए ताहिर खलील संधू को चेयरमैन पैनल पंजाब असेंबली मुंतखब कर दिया गया है, जिसका दर्जा स्पीकर असेंबली के बराबर होता है। स्पीकर की अदम मौजूदगी में हाउस चेयरमैन पैनल चलाता है। इससे पहले पाकिस्तान की पहली तारीख साज असेंबली में अखिलेती स्पीकर पंजाब असेंबली एस पी सिंगा थे, जिन्होंने अपना आखिरी वोट कास्ट करके पंजाब को पाकिस्तान में शामिल करवाया था। एक बार फिर आपको बताते चले कि पाकिस्तान की तारीख में दूसरी मरतबा पंजाब असेंबली में अखिलेती एमपीए ताहिर खलील संधू को चेयरमैन पैनल पंजाब असेंबली मुंतखब कर दिया गया, जिसका दर्जा स्पीकर असेंबली के बराबर होता है। स्पीकर की अदम मौजूदगी में हाउस चेयरमैन पैनल चलाता है। इससे पहले पाकिस्तान की पहली तारीख साज असेंबली में अखिलेती स्पीकर पंजाब असेंबली एस पी सिंगा थे, जिन्होंने अपना आखिरी वोट कास्ट करके पंजाब को पाकिस्तान में शामिल करवाया था। भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान आने वाले सिख और हिंदू यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है कि वो यहाँ किसी भी पाकिस्तानी शहरी के मेहमान नहीं बनेंगे। मेहमान नवाजी कबूल करने वाले यात्रियों को आइंदा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भारतीय हुकूमत के इस इकदाम की मजम्मत करते हुए कहा कि पाकिस्तानी कौम मेहमान नवाज है, अपने घर आने वालों की इज्जत और एहतराम देना हमारे खून में शामिल है। भारतीय हुकूमत ऐसे हथकंडों से नफरतों के बीच होना चाहती है। प्री मानसून बारिशों के बाद शहर की सड़कों के तराफ में जम जाने वाली मिट्टी हटाने का काम तीसरे रोज भी जारी रहा। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने मिट्टी उठाने के लिए खसूसी मुहिम शुरू कर दी है और शहर की तमाम बड़ी शाहराहों के डिवाइडर्स और फुटपाथों के साथ इकट्ठी हो जाने वाली मिट्टी की स्क्रैपिंग की जा रही है। मैनुअल तरीके के अलावा फ्रंट प्लेट ट्रैक्टर्स भी स्क्रैपिंग के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एक बार फिर आपको बताते चले कि मुल्तान में प्री मानसून बारिशों के बाद शहर की सड़कों के तराफ में जम जाने वाली मिट्टी हटाने का काम तीसरे रोज भी जारी रहा। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने मिट्टी उठाने के लिए खसूसी मुहिम शुरू कर दी है और शहर की तमाम बड़ी शाहराहों के डिवाइडर्स और फुटपाथों के साथ इकट्ठी हो जाने वाली मिट्टी की स्क्रैपिंग की जा रही है। मैनुअल तरीके के अलावा फ्रंट ब्लेड ट्रैक्टर्स भी स्क्रैपिंग के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। महाराजा रंजीत सिंह की बरसी के मौके पर पाकिस्तान आए सिख यात्रियों के पार्टी लीडर सरदार गुरमीत सिंह ने अफगानिस्तान में जलसले से होने वाली हलाकतों पर इजहार अफसोस किया है, जबकि प्रधान पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार अमीर सिंह और साबिक प्रधान सरदार सुतौन सिंह ने भी अफगानिस्तान में कुदरती आफत के नतीजा में हलाकतों पर रंजो गम का इजहार करते हुए खसूसी अरदास की। सिख यात्री सख्त सिक्योरिटी हिसार में स्पेशल ट्रेनों के जरिए गुरुद्वारा पंजा साहिब हसन अब्दाल पहुंचने पर मुतरोका वक्फ इमलाक बोर्ड की टीम और मकामी इंतजामिया ने यात्रियों का वालहाना इस्तकबाल किया। यात्रियों ने गुरुद्वारा पंजा साहिब में अपनी मजहबी रसूमात अदा की। यात्री 26 जून को हसन अब्दाल से गुरुद्वारा डेरा साहिब लाहौर आएंगे। मरकजी तकरीब 29 जून को होगी। चक नंबर 123 पी रहीम यार खान में मिनोरिटी विंग जिला रहीम यार खान के जेरे तमाम मुस्लिम लीग नून की कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें जिला सदर मिनोरिटी विंग बाबू लीला राम ने खिताब किया और मुस्लिम लीग नून की जिलाई और सूबाई क्यादत का पैगाम पहुंचाया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा अखिलियतों के हकूक के लिए बात की है और आइंदा भी अखिलियतों के हकूक की बात करते रहेंगे। इस मौका पर अहले इलाका ने बाबू लीला राम का शानदार इस्तकबाल किया और बाबू लीला राम की क्यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए आइंदा इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को वोट और सपोर्ट करने का यकीन दिलाया। एक बार फिर आपको बताते चले कि चक नंबर 123 पी रहीम यार खान में मिनोरिटी विंग जिला रहीम यार खान के जेरे तमाम मुस्लिम लीग नून की कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें जिला सदर मिनोरिटी विंग बाबू लीला राम ने खिताब किया और मुस्लिम लीग नून की जिलाई और सूबाई क्यादत का पैगाम पहुंचाया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा अखिलियतों के हकूक के लिए बात की है और आइंदा भी अखिलियतों के हकूक की बात करते रहेंगे। इस मौका पर अहले इलाका ने बाबू लीला राम का शानदार इस्तकबाल किया और बाबू लीला राम की क्यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए आइंदा इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को वोट और सपोर्ट करने का यकीन दिलाया।
चकवाल से खबर शामिल करते हैं, जहां पर जिला चकवाल और जिला खुशाब के सरहदी इलाके पेल में सफाई के दौरान मेन होल पर डाली सलीब उठाते हुए जहरीली गैस पड़ने से 5 अफराद मेन होल में गिर गए। बाप बेटे समेत 3 मौका पर चल बसे, जबकि 2 शदीद मुतासर हुए। वाकया थाना कट्ठा सगराल के गांव पेल में पेश आया। खालिकदाद, उसका बेटा हमजा अमीर और कजिन मोहम्मद सफीर गटर की सफाई करने लगे। सलीब उठाई तो अचानक जहरीली गैस फैली। ऊपर खड़े खालिकदाद, उसका बेटा हमजा अमीर और कजन मोहम्मद सफीर गटर में गिर गए।